नमस्कार, मैं नेहा साहिन, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार की नदियां उफान पर। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का भारी बवाल, अब बदलेंगे स्कूलों के रंग ढंग। बिहार में चला तबादला एक्सप्रेस और मोहम्मद सिराज ने करोड़ों रुपए खर्च कर खरीदी लग्जरी कार। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार की नदियां उफान पर। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बता दें कि पटना के सभी नदियां डेंजर लेवल के करीब पहुंच चुकी है। गंगा, सोन और पुनपुन नदी का जलस्तर डेंजर लेवल के करीब पहुंच चुका है। वही बिहार के खगड़िया में गंगा और गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो कटिहार में कोसी और बरंडी नदी डेंजर लेवल के ऊपर बह रही है। भागलपुर में हर जगह गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। कटिहार के कुर्सेला, अहमदाबाद, बरारी और मनिहारी के निचले इलाकों में लोगों को बाढ़ की चिंता सताने लगी है। इधर गंगा में लगातार बढ़ते पानी से दियारा क्षेत्र पूरी तरह से पानी से भर गया है। फसलें डूब गई है। वहां रहने वाले लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का भारी बवाल। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीपीएससी कार्यालय को घेरने का प्रयास किया। बीपीएससी कार्यालय के बाहर तैनात भारी पुलिस बल ने अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई शिक्षक अभ्यर्थी घायल हो गए हैं। इस दौरान छात्र नेता दिलीप कुमार को हिरासत में लिया गया है, जिसके विरोध में प्रदर्शनकारी ने बेली रोड के एक लेन को जाम कर दिया है। प्रदर्शन में राज्य भर से शिक्षक अभ्यर्थी शामिल है, जिनमें महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारी एक कैंडिडेट एक रिजल्ट की मांग पर अड़े हुए हैं। बिहार में चला तबादला एक्सप्रेस। बिहार में नीतीश सरकार का तबादला एक्सप्रेस चला है। नीतीश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सूबे के 2 IAS का तबादला किया है। वहीं 2 IAS को उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इनमें मगध प्रमंडल के आयुक्त मयंक वरवड़े को स्थानांतरित करते हुए पटना प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। वहीं बिहार के गया के जिलाधिकारी त्यागराजन SM को अगले आदेश तक प्रमंडलीय आयुक्त और गया स्थित विपाट के अपर महानिदेशक को कार्यों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल को ऊर्जा विभाग के सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव वंदना प्रियदर्शी को उद्योग विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। साथ ही उन्हें आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार IDA के प्रबंध निदेशक और बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम के प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भवन निर्माण विभाग के सचिव और पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि को स्थानांतरित करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव के पद पर तैनात किया गया है। साथ ही उन्हें भवन निर्माण विभाग के सचिव और बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक दिल्ली स्थित केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं। छपरा में सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के दौरान छपरा और शेखपुरा से सॉल्वर गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 सॉल्वर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें से रविकेश सिंह, रणधीर कुमार सिंह और रजनीश कुमार मिश्रा शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से ब्लूटूथ, लैपटॉप और कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। इस मामले पर SP डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि इस गैंग के सरगना कृष्ण सिंह और उदय ओझा की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। वहीं शेखपुरा के DM हाई स्कूल केंद्र से एक परीक्षार्थी को ब्लूटूथ के साथ पकड़ा गया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने भागलपुर के अमृत कुमार और योगेश कुमार को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से 17 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं। अब बदलेंगे स्कूलों के रंग ढंग। अब सभी सरकारी स्कूलों का रंग बदल जाएगा। बता दें कि प्रारंभिक विद्यालयों का बाहरी रंग गुलाबी और बॉर्डर मैरून रंग का होगा। भवन के अंदर सफेद रंग होंगे। वहीं उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो बाहरी भाग का रंग ग्रे और बॉर्डर में नीला रंग होगा। बता दें कि हर 3 साल पर विद्यालय का रंग रोगन कराया जाएगा।
इसके अलावा अब विद्यालयों के विकास के लिए प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहले सभी ठेकेदारों की सूची रद्द कर दी गई है। अब ज्यादातर काम समग्र शिक्षा एवं बिहार सरकार के पैसे से जिला स्तर पर निर्धारित होंगे। इसके अनुसार शौचालयों की मरम्मत, पेयजल की सुविधा, रसोई घर का निर्माण, विद्युतीकरण, बेंच डेस्क की सुविधा, वृहद मरम्मति या जीर्णो द्वार, अतिरिक्त वर्ग कक्ष, कार्यालय एवं प्रयोगशाला के उपयोग की सामग्री, नया विद्यालय भवन और चारदीवारी का निर्माण किया जा सकेगा। सिद्धेश्वरनाथ मंदिर हादसा, सीएम नीतीश कुमार ने मुआवजा का किया ऐलान। बिहार के जहानाबाद स्थित सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत और 9 श्रद्धालुओं की घायल होने की खबर से बिहार में गम का माहौल है। वही इस हादसे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये घटना बेहद दुखद है और पीड़ादायक है। सीएम ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वही घायल हुए लोगों की समुचित इलाज करने का निर्देश सीएम ने दिया है। मुख्यमंत्री ने दुख के इस घड़ी में मृतक के परिजनों को धैर्य बनाने रखने की अपील की है। वही 7 श्रद्धालुओं की मौत पर राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गहरी शोक संवेदना प्रकट किया है। बिहार के 6 शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है उनके लिए खुशखबरी है। बता दें बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए 6 शिक्षकों का चयन किया है जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है। बता दें बिहार के जिन 6 शिक्षकों का चयन किया गया है उसमें सारण के एकमा प्रखंड के उत्कर्मित मध्य विद्यालय के शिक्षक डॉक्टर शशि भूषण शाही, इसके अलावा कैमूर के कुदरा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सिकेंद्र कुमार सुमन, डुमरिया एस्टेट स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय की सहायक शिक्षिका मेरी एडलिन, सिरदला के उच्च माध्यमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक राजेश कुमार, बेगूसराय के मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक रंजन कुमार और मधुबनी के शिव गंगा बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय की सहायक शिक्षक और मधुबनी के शिव गंगा बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय की सहायक शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी के नाम का चयन किया गया है। पटना जंक्शन से 50,000 रुपये के साथ युवक गिरफ्तार। पटना जंक्शन पर 50 लाख रुपए के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरपीएफ ने उसे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से पकड़ा है। साथ ही उसके कब्जे से 50 लाख रुपए से भरा एक सूटकेस भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें आरोपी का नाम बजरंग ठाकुर है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि यह पैसा झारखंड के कोयला कारोबारी पवन ठाकुर का है। वही पटना में किसी व्यक्ति को ये डिलीवरी देनी थी। फिलहाल आरपीएफ की टीम और आयकर की टीम ने झारखंड के कोयला कारोबारी पवन ठाकुर से भी जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के रडार पर बिहार के 20,000 प्राइवेट स्कूल। बिहार के करीब 20,000 प्राइवेट स्कूलों की पहचान के लिए शिक्षा विभाग 12, 13 और 14 अगस्त तक विशेष अभियान चला रहा है। यह वह स्कूल है जिन्होंने ना मान्यता ली है और ना ही शिक्षा विभाग को स्कूल संचालित करने की सूचना दी है। इस तरह के स्कूलों को पहचान कर शिक्षा विभाग इनका विधि सम्मत संचालन सुनिश्चित कराएगा। इसकी जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने पहले ही दी थी। बता दें ये वे स्कूल है जो अभी राइट टू एजुकेशन के दायरे में नहीं है। दरअसल शिक्षा विभाग को जानकारी मिली है कि राज्य में 20,000 ऐसे स्कूल हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए शिक्षा विभाग ने ये ठोस कदम उठाया है। बिहार का बेटा श्रीनगर में शहीद। छपरा के लावाकाला निवासी 30 वर्षीय दीपक यादव भारतीय सेना में हवलदार के पद पर तैनात थे जो श्रीनगर में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। बता दें शनिवार रात अनंतनाग के कुकीरनाग जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवान दीपक यादव ने आतंकवादियों से मुठभेड़ की। इस दौरान जवान को गोली लग गई लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक आतंकवादियों पर गोलीबारी जारी रखी। शहीद जवान की बलिदान की खबर के बाद उनके पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। आज उनका पार्थिव शरीर छपरा पहुंचेगा जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिहारी न्यूज की ओर से शहीद के परिवार को हमारी गहरी संवेदनाएं। हम सभी शहीद की शहादत को सलाम करते हैं। नदियां डेंजर लेवल के करीब, सुपर सकर लगाने का आदेश।
पटना में भारी बारिश के कारण सभी नदियां डेंजर लेवल के करीब पहुंच चुकी हैं, जिसके कारण सड़कें पानी से लबालब हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी घुस गया है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं इसको लेकर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने जल जमाव वाले इलाकों में सुपर सकर लगाकर पानी निकालने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं नगर निगम और बुडको के अधिकारियों की छुट्टी सितंबर तक रद्द कर दी गई है। बिहार राज्यसभा चुनाव में नामों को लेकर खूब हुई माथापच्ची। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव समिति की बैठक ली, जिसमें 2.5 दर्जन नामों पर चर्चा हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि बिहार में राज्यसभा की खाली हुई 2 सीटों में से एक पर बीजेपी का कैंडिडेट होगा। वहीं 1 सीट पर एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा का नाम प्रस्तावित है। बैठक में जिन नामों पर चर्चा हुई उनमें कितने नाम आलाकमान को भेजा जाए, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया को अधिकृत कर दिया गया है। दोनों नेता आज या कल में आलाकमान को अपनी ओर से नामों की सूची भेज देंगे। इसके अलावा बैठक में विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा हुई। बता दें कि राज्यसभा सीटों पर 3 सितंबर को उपचुनाव होंगे, 21 अगस्त तक नामांकन होंगे और 3 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग ने बिहार से राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। ये दोनों सीटें मीसा भारती और विवेक ठाकुर की लोकसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई थी। ललन सिंह पर भड़की लालू की बेटी रोहिणी आचार्य। बीते दिन राजद कार्यालय में हुई बैठक में तेजस्वी ने दावा किया था कि बिहार में राजद की सरकार बनेगी। तेजस्वी के इस दावे पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार किया और कहा कि उनके जन्म कुंडली में सीएम बनना नहीं लिखा है, तेजस्वी कभी भी सीएम नहीं बनेंगे, जिसके बाद सियासत गर्म है। अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ललन सिंह के ऊपर कटाक्ष किया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा है कि काली कुंडली वाले का मुंह काला, हंसी आती है वैसे लोगों को दूसरों की कुंडली में क्या लिखा है ये बताते देखकर, जिनकी खुद की कुंडली में तमाम तरह के छेद ही छेद हैं, और अगर ऐसों की कुंडली खंगालने के बाद जो सामने आता है उसे उजागर कर दिया जाए तो काली कुंडली वाले का मुंह बिना किसी और के द्वारा काला किए खुद ही काला हो जाएगा। वैसे भी पेट में आंत में दांत गिनने वालों को कुंडली देखना हास्यपद है। दरभंगा में जमकर बरसे पप्पू यादव। बिहार के दरभंगा पहुंचे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से कहीं ज्यादा बेहतर है, वहां आरक्षण के मुद्दों को लेकर स्थिति खराब नहीं हुआ है। अभी बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक लोग हैं, वे लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। ये स्थिति वहाँ के समाज के कारण नहीं, बाहरी ताकतों के कारण हुई है। वहीं पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि आप यहाँ के मुसलमान को गाली देते हैं, दूसरी तरफ फॉर्मर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से दोस्ती करते हैं। ये अच्छी बात है कि वे भारत की दोस्त हैं तो हमारी भी दोस्त है, लेकिन जब बांग्लादेश में हमारा रिश्ता भी चीन के हाथ में डगरा के बैगन की तरह चल जाए और हमारे लोग सुरक्षित नहीं हो, बॉर्डर सुरक्षित नहीं हो और हम मौन धारण कर रहे हो, तो समझ सकते हैं कि क्या बात है। मोहम्मद सिराज ने करोड़ों रुपए खर्च कर खरीदी लग्जरी कार। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक नई कार खरीदी है और इसका फोटो शेयर करने के साथ एक कैप्शन भी लिखा है। दरअसल मोहम्मद सिराज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने नई कार खरीद ली है। सिराज के साथ तस्वीर में उनका पूरा परिवार नजर आ रहा है। सिराज ने ड्रीम कार के साथ कैप्शन में लिखा है कि आपके सपनों की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वे आपको कड़ी मेहनत करने और ज्यादा प्रयास के लिए प्रेरित करते हैं। यह आपका है जो निरंतरता के साथ किया गया है, जो आपको आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप वे भी हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनका नाम है अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, अजीत कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, नौशाद रजा, गुनर शर्मा, आदित्य किशोर, रवि कुमार राम, उमेश ऋषिदेव, संजीव कुमार, राम बाबूदास, राकेश मिश्रा, नीतीश कुमार सिंह, सुशील कुमार मोदी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बीते दिन लगातार बारिश के कारण आपके क्षेत्र की स्थिति क्या है?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।